नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में मैं इग्नो के बीए हिंदी ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको लेकर आई हूँ, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रथम सत्र यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य रूप से जो है वो प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुल एक दो तीन और चार मुख्य रूप से आप लोगों को चार पेपर पढ़ने हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से हिंदी के दो पेपर हैं, कौन कौन से, BHDC, ठीक है, BHDC 101 और BHDC 102। ये आपको हिंदी के अंदर दो पेपर हैं। इसके अलावा BEVAE 181 और BSOG 171। तो ये पेपर कोड है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को मुख्य रूप से यही चार पेपर पढ़ने हैं। आइए हम लोग एक एक करके सब पेपर के भीतर कौन कौन से टॉपिक है उसको पढ़ने हैं, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले BHDC 101 को देख लेते हैं। इसके भीतर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये हिंदी का ही पेपर है, BHDC 101, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक। आपको पता है हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये आप सब जानते ही हैं। अब हम लोगों को इसको विस्तार से पढ़ना है, विस्तृत रूप में जानना है। तो सबसे पहले ये जो BHDC 101 है इसके भीतर आपको आदिकाल या फिर काल विभाजन से कह सकते हैं, काल विभाजन और नामकरण से लेकर रीतिकाल तक पढ़ना है। तो इसमें पहला टॉपिक ही है काल विभाजन और नामकरण की समस्या, ठीक है। इसके बाद साहित्य और इतिहास का क्या अंतर संबंध है और इतिहास लेखन की परंपरा क्या है उसे बताना है। इसके बाद साहित्य की पृष्ठभूमि बतानी है और फिर आदिकाल की जो परिस्थितियां रही हैं उसे बताना है और उन परिस्थितियों के कारण हमें उस काल में कौन कौन सी मुख्य रूप से काव्यगत प्रवृत्तियां, यहाँ ध्यान रखिएगा आदिकाल की काव्यगत प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है। आदिकाल और ये देखिए केवल टॉपिक है, इसके भीतर आपको इसके जो प्रमुख कवि हैं उसके बारे में भी जानना होगा, जैसे चंद्रबरदाई, इनके बारे में और कुछ ग्रंथ जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जान लेना होगा। इसके अलावा भक्ति आंदोलन और उसके क्या वैचारिक आधार रहे हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, भक्ति काल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां रही हैं वो, और उसे भक्ति काल को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले भक्ति काल के भीतर ही निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा यानी कि संत काव्यधारा जो है वो, इसके बाद निर्गुण के भीतर ही प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्यधारा, ठीक है, जिसमें आपको जायसी वगैरह आते हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। जैसे ही भक्ति काव्य खत्म होता है, भक्तिकालीन काव्य खत्म होता है, उसके बाद आपको रीतिकालीन काव्यधारा पढ़नी है। इसके अंतर्गत रीतिकाल काव्य की प्रेरणा स्रोत क्या रही है और कौन सी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, इन्हीं रीतिकालीन परिस्थितियों के भीतर किन किन प्रवृत्तियों क्या क्या प्रवृत्तियां हैं वो देखना है हमें। इसके अंतर्गत प्रवृत्तियों में प्रथम भाग, आपको पता है रीतिकालीन जो काव्य उसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। उन्हीं के भीतर हमें उनकी ही काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है और प्रमुख कवि को जान लेना है। तो इसके अंदर प्रवृत्तियों को भाग एक और प्रवृत्तियां भाग दो देखना है। तो ये टॉपिक नेम है BHDC 101 के भीतर हमें इतने टॉपिक्स को कवर करना है। इसके बाद जो है वो आपका BHDC 102 को हमें देखना है। BHDC 102 के भीतर आप देख सकते हैं आधुनिक कालीन आ गया है, ठीक है। आप लोगों ने BHDC 101 के भीतर आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक पढ़ा था और BHDC 102 के भीतर आप लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल काफ़ी विस्तृत है, तो इसमें आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे होता है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं और उसके साथ फिर नौ जागरण में भारतेंदु युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग के बाद उत्तर छायावादी युग क्या रही हैं, इसके बाद प्रगतिशील काव्य क्या है, प्रगतिशील काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद, नई कविता,
समकालीन हिंदी काव्य कथा साहित्य के अंतर्गत प्रथम कहानी, कहानी का उद्भव और विकास, ठीक इसी तरीके से उपन्यास, उपन्यास के उद्भव और विकास प्रवृत्तियों को देखना होगा। फिर नाट्य साहित्य और रंगमंच का विकास कैसे होता है। इसके बाद निबंध शैली जो है और गद्य की अलग जो विधाएं रही हैं उनका विकास कैसे हुआ ये हमें जानना है। और अंतिम टॉपिक ले सकते हैं इसमें हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ है। तो प्रथम सत्र के भीतर आपको BHDC 101 में से आधुनिक काल कह सकते हैं नामकरण की समस्या से लेकर रीतिकाल तक पढ़ना है। BHDC 101 में नामकरण से लेके आपको रीतिकाल तक पढ़ना है और BHDC 102 में आपको आधुनिक काल से शुरू करना है, ठीक है। आधुनिक काल से लेके पूरी हिंदी आलोचना तक आपको पढ़ना है। तो ये आपको हिंदी के मुख्य दो पेपर पढ़ने हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चार पेपर पढ़ना है जिसमें से हिंदी के दो मुख्य पेपर रहेंगे और उसके बाद आपको पर्यावरण का ये एक पेपर आ रहा है 181 VAVE 181। आइए इसे देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको टॉपिक दे दिया गया है, इस टॉपिक पे पढ़ना है। इसमें VAVE 181 के अंतर्गत आपको पर्यावरण का अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये इसमें आपको हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण की क्या अवधारणा है, उसके क्या घटक हैं, उसमें मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो बहु विषयी प्रकृति है उसकी चर्चा करनी है। इसके अलावा फिर पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, क्या परिभाषा है, क्या घटक है, क्या उपादान है, ऊर्जा प्रवाह क्या है, आहार श्रृंखला क्या है, आहार जाल क्या है, फूड वेब जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। इसके अलावा प्रमुख परितंत्र जो जिसमें वन, घास स्थल, परितंत्र, मरुस्थल, ये सब हमें इसके बारे में विशेष रूप से केस स्टडीज जो दिए गए हैं वो जानना है। इसके बाद जल और थल संसाधन के रूप में हमें जानना है कि जल और थल किस प्रकार संसाधन है, ये नवीनीकरण है, अनवीनीकरण संसाधन क्या क्या है, भूमि, भूमि का उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, भू जल का अति दोहन वगैरह, बाढ़, सूखा, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद जो है उसको देखना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है वन संसाधन। वन संसाधन के भीतर वन से संबंधित जो है कि खनन का जो कार्य हो रहा है, बांध निर्माण हो रहा है, उससे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमें पढ़ना है। जनसंख्या पर प्रभाव पड़ना है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका देखना है। वनों की इतनी अधिक जो कटाई हो रही है उसका प्रभाव जीव जगत पर क्या पड़ रहा है ये देखना है और इसका किस प्रकार से हम जो है वो संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद जैव विविधता, जैव विविधता में परिभाषा पढ़नी है, अनुवांशिकता, विविधता, ये सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप विस्तार पूर्वक इसको देख लीजिएगा, यही सारे हमें पढ़ने हैं। ये अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, इसमें एक और है, ये जो अन्य संसाधन हैं के भीतर हमें वो भी देखना है। तो इसके अंदर फिर हमें ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण नियमावली, मानव समुदाय पर्यावरण और पर्यावरणीय नीति शास्त्र, ये सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं, ठीक। ये हमको VAVE 181 में, ठीक है, 181 में कंप्लीट करना है। ये हमारा तीसरा पेपर हो गया और आखिरी का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आखिरी का जो हमारा चौथा पेपर है वो है BSOG, ठीक है, BSOG 171, ठीक है, BSOG 171 है जिसका नाम है भारतीय समाज प्रतिरूप और वास्तविकता है। तो जहां आप लोगों ने 181 में पर्यावरण संबंधी पढ़ा था, यहां पर 171 में आपको भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि भारत के क्या विचार रहे हैं, इसके अंदर सभ्यता और संस्कृति, भारत और कॉलोनी के रूप में भारत, राष्ट्र, राज्य और समाज की क्या अवधारणा है वो, इसके बाद जो संस्थान और प्रक्रियाएं हैं, भारतीय गांव, भारतीय नगर कैसे हैं, भाषा और धर्म की विविधता कितनी है, जाति और वर्ग कैसे हैं, जनजाति, जनजातीयता, परिवार, विवाह, रिश्तेदारी,
ये सारी चीजें पढ़नी। इसके अलावा इसके अंदर भीतर खंड तीन है, खंड तीन के अंदर आपको आलोचना करनी है वर्ग शक्ति और असमानता की, प्रतिरोध और विरोध की। तो ये आपको चार पेपर पढ़ने हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है BHDC 101 जो कि हिंदी का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा BHDC 102, इसके अलावा VAVE जो कि हमारा पर्यावरण से है 181, ठीक है। और उसके बाद BSOG जो कि हमारा समाज से रिलेटेड है 171। तो ये पेपर कोड से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में केवल मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा की है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है इसके अंदर मुख्य रूप से हिंदी के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये करवाना चाहिए या हमें अन्य जो पर्यावरण और BSOG 171 जो समाज के पेपर हैं उसको भी पढ़ाना चाहिए या उसको उससे संबंधित वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि किस प्रकार हम विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। तो धन्यवाद, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।